हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जेनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों को इसमें क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा क्राइम देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को ऐश्वर्या राजेश कविता भराठी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अधू कलम जो है वो देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान जो है वो डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी पी किन्सलिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे क्या उन उनकी कोई पास्ट मूवीज़ है जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हो तो जी हाँ बत्ती कुची जो है वो आप लोगों को उनकी पास्ट मूवीज़ में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आप लोगों को उस मूवी को भी एक मरतबा डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो ओ टी प्लेटफॉर्म कौन सा है इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं एंड ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया तो ये एक तमिल लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में अवेलेबल है आप लोग ईजिली इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेट

सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एडिटिंग की बात करें तो आर रामर इस मूवी की एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है तो यह मूवी जो है वो इस मूवी के म्यूजिक को यहां पर अरेंज किया है घिब्र ने चाहे वो म्यूज़िक हो बीजीएम हो सॉन्ग्स हो यहाँ पर सारी की सारे के सारे म्यूज़िक के रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने ही अरेंज किया है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से संभाली गई है प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो 18 रील्स आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस तो देना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हां इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जैनर क्या है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों को इसमें क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर एक्शन देखने को मिलेगा क्राइम देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को ऐश्वर्या राजेश कविता भराठी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अदू कलम जो है वो देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान जो है वो डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी पी किंसलिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि क्या उनकी कोई पास्ट मूवीज है जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हो तो जी हाँ कुछ ही है वो आप लोगों को उनकी पास्ट मूवीज में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आप लोगों को उस मूवी को भी एक मरतबा डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो ओ टी प्लेटफॉर्म कौन सा है इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं एंड ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज किया गया तो ये एक तमिल लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में अवेलेबल है आप लोग ईजिली इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिंग देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें इस की यहाँ पर जो टाइम है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा तो, तो बहुत ही रखी गई है तकरीबन तक एक घंटा और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की

इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा है जो कि काफी अच्छे तरीके से लिखी गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस पी चौथारी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है स्टारिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऐश्वर्या राजेश अधकुलम और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गोकुल इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एडिटिंग की बात करें तो आर रामर इस मूवी की एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है तो ये मूवी जो है वो इस मूवी के म्यूज़िक को यहाँ पर अरेंज किया है घिब्रान ने चाहे वो म्यूज़िक हो बीजीएम हो सॉन्ग्स हो यहाँ पर सारी की सारे के सारे म्यूज़िक के रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने ही अरेंज किया है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से संभाली गई है प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो 18 रील्स आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस तो देना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ-साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जेनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों को इसमें क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा क्राइम देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को ऐश्वर्या राजेश कविता भराठी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अधिकलम जो है वो देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान जो है वो डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी पी किंसलिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि क्या उन की कोई पास्ट मूवीज है जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हो तो जी हां वथी कुची जो है वो आप लोगों को उनकी पास्ट मूवीज में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आप लोगों को उस मूवी को भी एक मर्तबा डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए उसी के साथ-साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो टी टी प्लेटफॉर्म कौन सा है इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं एंड ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है किस लैंग्वेज में रिलीज किया गया तो ये एक तमिल लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में अवेलेबल है आप लोग ईजिली इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेट

सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एडिटिंग की बात करें तो आर रामर इस मूवी की एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है तो यह मूवी जो है वो इस मूवी के म्यूजिक को यहां पर अरेंज किया है घिब्र ने चाहे वो म्यूजिक हो बीजीएम हो सॉन्ग्स हो यहाँ पर सारी की सारी म्यूजिक के रिलेटेड चीजों को यहाँ पर उन्होंने ही अरेंज किया है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से संभाली गई है प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो 18 रील्स आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस तो देना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना के Bate mesmo. तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जेनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों को इसमें क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर एक्शन देखने को मिलेगा क्राइम देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को ऐश्वर्या राजेश कविता भराठी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अधू कलम जो है वो देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान जो है वो डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी पी किन्सलिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि क्या उनकी कोई पास्ट मूवीज़ है जो कि उन्होंने डायरेक्ट की तो जी हाँ कुछ कुची जो है वो आप लोगों को उनकी पास्ट मूवीज में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आप लोगों को उस मूवी को भी एक मरतबा डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो ओ टी प्लेटफॉर्म कौन सा है इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं एंड ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया तो ये एक तमिल लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में अवेलेबल है आप लोग ईजिली इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेट

सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एडिटिंग की बात करें तो आर रामर इस मूवी की एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है तो ये मूवी जो है वो इस मूवी के म्यूज़िक को यहाँ पर अरेंज किया है घिब्रान ने चाहे वो म्यूज़िक हो बी हो सॉन्ग्स हो यहाँ पर सारी की सारे के सारे म्यूज़िक के रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने ही अरेंज किया है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से संभाली गई है प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो 18 रील्स आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को को एक चांस तो देना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जेनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों को इसमें क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर एक्शन देखने को मिलेगा क्राइम देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को ऐश्वर्या राजेश कविता भराठी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अदू कलम जो है वो देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान जो है वो डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी पी किंसलिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे क्या उनकी कोई पास्ट मूवीज़ है जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हो तो जी हाँ, जो है वो आप लोगों को उनकी पास्ट मूवीज में देखने को मिलेंगी जो के बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आप लोगों को उस मूवी को भी एक डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी की यहां पर जो है वो ओ टी प्लेटफॉर्म कौन सा है इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं एंड ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया तो ये एक तमिल लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में अवेलेबल है आप लोग ईजिली इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेट देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते है? या इसकी टाइम है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही रखी गई है तकरीबन तक एक घंटा और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की

इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा है जो कि काफी अच्छे तरीके से लिखी गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस पी चौथारी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है स्टारिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऐश्वर्या राजेश अधकुलम और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गोकुल इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एडिटिंग की बात करें तो आर रामर इस मूवी की एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है तो ये मूवी जो है वो इस मूवी के म्यूज़िक को यहाँ पर अरेंज किया है घिब्रान ने चाहे वो म्यूज़िक हो बी हो सॉन्ग्स हो यहाँ पर सारी की सारी म्यूज़िक के रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने ही अरेंज किया है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से संभाली गई है प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो 18 रील्स आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस तो देना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जैनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों को इसमें क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप आप लोगों को यहां पर एक्शन देखने को मिलेगा क्राइम देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को ऐश्वर्या राजेश कविता भराठी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अदू जो है वो देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान जो है वो डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी पी किंसलिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि क्या उनकी कोई पास्ट मूवीज है जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हो तो जी हाँ, कुछ ही उनकी पास्ट मूवीज में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आप लोगों को उस मूवी को भी एक मरतबा डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी की यहां पर जो है वो ओ टी प्लेटफॉर्म कौन सा है इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं एंड ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज किया गया तो ये एक तमिल लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में अवेलेबल है आप लोग ईजिली इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिट

सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एडिटिंग की बात करें तो आर रामर इस मूवी की एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है तो यह मूवी जो है वो इस मूवी के म्यूजिक को यहां पर अरेंज किया है घिब्र ने चाहे वो म्यूजिक हो बीजीएम हो सॉन्ग्स हो यहाँ पर सारी की सारी म्यूजिक के रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने ही अरेंज किया है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से संभाली गई है प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो 18 रील्स आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस तो देना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जैनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों को इसमें क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर एक्शन देखने को मिलेगा क्राइम देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को ऐश्वर्या राजेश कविता भराठी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अदू कलम जो है वो देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान जो है वो डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी पी किंसलिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे क्या उनकी कोई पास्ट मूवीज़ है जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हो तो जी हाँ, वती जो है वो आप लोगों को उनकी पास्ट मूवीज में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आप लोगों को उस मूवी को भी एक मरतबा डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो टी टी प्लेटफॉर्म कौन सा है इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं एंड ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज किया गया तो ये एक तमिल लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में अवेलेबल है आप लोग ईजिली इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेट

प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो 18 रील्स आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस तो देना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों को इसमें क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा क्राइम देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को ऐश्वर्या राजेश कविता भराठी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अदू कलम जो है वो देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान जो है वो डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी पी किन्सलिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि क्या उनकी कोई पास्ट मूवीज़ है जो कि उन्होंने डायरेक्ट की तो, तो जी हाँ कुछ को उनकी पास्ट मूवीज में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आप लोगों को उस मूवी को भी एक मरतबा डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो ओ टी प्लेटफॉर्म कौन सा है इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं एंड ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया तो ये एक तमिल लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में अवेलेबल है आप लोग ईजिली इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेट

इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा है जो कि काफी अच्छे तरीके से लिखी गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस पी चौथारी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है स्टारिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऐश्वर्या लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गोकुल इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एडिटिंग की बात करें तो आर रामर इस मूवी की एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है तो ये मूवी जो है वो इस मूवी के म्यूज़िक को यहाँ पर अरेंज किया है घिब्रान ने चाहे वो म्यूज़िक हो बीजीएम हो सॉन्ग्स हो यहाँ पर सारी की सारे के सारे म्यूज़िक के रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने ही अरेंज किया है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से संभाली गई है प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो 18 रील्स आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस तो देना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाना वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों का ये सवाल मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं कि आप लोगों को इसमें क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर एक्शन देखने को मिलेगा क्राइम देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को ऐश्वर्या राजेश कविता भराठी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अदू कलम जो है वो देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान जो है वो डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी पी किन्सलिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है, है लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे कि क्या उनकी कोई पास्ट मूवीज़ है जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हो तो जी हाँ, वती जो है वो आप लोगों को उनकी पास्ट मूवीज में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आप लोगों को उस मूवी को भी एक मरतबा डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी की यहां पर जो है वो ओ टी प्लेटफॉर्म कौन सा है इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं एंड ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया तो ये एक तमिल लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में अवेलेबल है आप लोग ईजिली इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेट

मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस तो देना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाला के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना के बात

तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जैनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों को इसमें क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप आप लोगों को यहां पर एक्शन देखने को मिलेगा क्राइम देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को ऐश्वर्या राजेश कविता भराठी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अदू जो है वो देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान जो है वो डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी पी किंसलिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि क्या उनकी कोई पास्ट मूवीज है जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हो तो जी हाँ कुछ जो है वो आप लोगों को उनकी पास्ट मूवीज में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आप लोगों को उस मूवी को भी एक मरतबा डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी की यहां पर जो है वो ओ टी प्लेटफॉर्म कौन सा है इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं एंड ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज किया गया तो ये एक तमिल लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में अवेलेबल है आप लोग ईजिली इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिट देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा है? है? तो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही रखी गई है तकरीबन एक घंटा और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की

को को हैंडल किया, एडिटिंग एडिटिंग की की बात करें तो आर रामर इस मूवी कंट्रोल करने वाले हैं, जिन्होंने अपना काम बहुत चाहे तो वो म्यूजिक हो बीजीएम हो सॉन्ग्स हो यहां पर सारी सारे के सारे म्यूजिक के रिलेटेड चीजों को यहां पर उन्होंने अरेंज किया है जो कि काफी अच्छे तरीके से संभाली गई है प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो 18 रील्स आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस तो देना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें

बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जैनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों को इसमें क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर एक्शन देखने को मिलेगा क्राइम देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को ऐश्वर्या राजेश कविता भराठी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अधू कलम जो है वो देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान जो है वो डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी पी किंसलिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे क्या उनकी कोई पास्ट मूवीज़ है जो कि उन्होंने डायरेक्ट की तो जी हाँ वती कुछ ही जो है वो आप लोगों को उनकी पास्ट मूवीज में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आप लोगों को उस मूवी को भी एक मरतबा डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो ओ टी प्लेटफॉर्म कौन सा है इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं एंड ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज किया गया तो ये एक तमिल लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में अवेलेबल है आप लोग ईजिली इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफि टली देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और मूवी तो की यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन एक घंटा और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो IMDb rating क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक like किया गया तो इस इस मूवी मूवी की जो जो है 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 वो है जी कि कि काफी अच्छी खासी IMDb rating है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें इस को गूगल के यूजर्स की तरफ से अब हम बात करते हैं कि है? किसने लिखा है तो पी किंसलिन इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा है जो कि काफी अच्छे तरीके से लिखी गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस पी चौथारी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है स्टारिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऐश्वर्या राजेश अधिकलम और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गोकुल इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एडिटिंग की बात करें तो आर रामर इस मूवी की एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है तो ये मूवी जो है वो इस मूवी के म्यूज़िक को यहाँ पर अरेंज किया है घिब्रान ने चाहे वो म्यूज़िक हो बीजीएम हो सॉन्ग्स हो यहाँ पर सारी की सारी म्यूज़िक के रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने ही अरेंज किया है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से संभाली गई है प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो 18 रील्स आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस तो देना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ-साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉमेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जैनर क्या है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों को इसमें क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर एक्शन देखने को मिलेगा क्राइम देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को ऐश्वर्या राजेश कविता भराठी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अदू कलम जो है वो देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान जो है वो डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी पी किंसलिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि क्या उनकी कोई पास्ट मूवीज़ है जो कि उन्होंने डायरेक्ट की तो, तो जी हाँ, जो है वो आप लोगों को उनकी पास्ट मूवीज में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आप लोगों को उस मूवी को भी एक डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो ओ टी प्लेटफॉर्म कौन सा है इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं एंड ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज किया गया तो ये एक तमिल लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में अवेलेबल है आप लोग ईजिली इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेट

सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एडिटिंग की बात करें तो आर रामर इस मूवी की एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है तो यह मूवी जो है वो इस मूवी के म्यूजिक को यहां पर अरेंज किया है घिब्र ने चाहे वो म्यूज़िक हो बीजीएम हो सॉन्ग्स हो यहाँ पर सारी की सारे के सारे म्यूज़िक के रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने ही अरेंज किया है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से संभाली गई है प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो 18 रील्स आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस तो देना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हम हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जेनर क्या है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों को इसमें क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर एक्शन देखने को मिलेगा क्राइम देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को ऐश्वर्या राजेश कविता भराठी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अदू कलम जो है वो देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान जो है वो डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी पी किन्सलिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे कि क्या उनकी कोई पास्ट मूवीज़ है जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हो तो जी हाँ, जो है वो आप लोगों को उनकी पास्ट मूवीज में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आप लोगों को उस मूवी को भी एक मरतबा डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी की यहां पर जो है वो ओ टी प्लेटफॉर्म कौन सा है इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं एंड ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया तो ये एक तमिल लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में अवेलेबल है आप लोग ईजिली इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेट

की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एडिटिंग की बात करें तो आर रामर इस मूवी की एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है तो ये मूवी जो है वो इस मूवी के म्यूज़िक को यहाँ पर अरेंज किया है घिबरान ने चाहे वो म्यूज़िक हो बीजीएम हो सॉन्ग्स हो यहाँ पर सारी की सारी म्यूज़िक के रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने ही अरेंज किया है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से संभाली गई है प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो 18 रील्स आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस तो देना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जैनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों को इसमें क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप आप लोगों को यहां पर एक्शन देखने को मिलेगा क्राइम देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को ऐश्वर्या राजेश कविता भराठी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अदू जो है वो देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान जो है वो डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी पी किन्सलिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि क्या उनकी कोई पास्ट मूवीज़ है जो कि उन्होंने डायरेक्ट की तो जी हां बत्ती कुछ ही जो है वो आप लोगों को उनकी पास्ट मूवीज में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आप लोगों को उस मूवी को भी एक मरतबा डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी की यहां पर जो है वो ओ टी प्लेटफॉर्म कौन सा है इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं एंड ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया तो ये एक तमिल लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में अवेलेबल है आप लोग ईजिल इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिट देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें इस की यहाँ पर जो है वो कितनी है मेरे हिसाब से तो बहुत ही रखी गई है तकरीबन तक एक घंटा और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की

इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा है जो कि काफी अच्छे तरीके से लिखी गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस पी चौथारी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है स्टारिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऐश्वर्या राजेश अधकुलम और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गोकुल इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एडिटिंग की बात करें तो आर रामर इस मूवी की एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है तो ये मूवी जो है वो इस मूवी के म्यूज़िक को यहाँ पर अरेंज किया है घिब्रान ने चाहे वो म्यूज़िक हो बीजीएम हो सॉन्ग्स हो यहाँ पर सारी की सारी म्यूज़िक के रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने ही अरेंज किया है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से संभाली गई है प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो 18 रील्स आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस तो देना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ-साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जैनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों को इसमें क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा क्राइम देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को ऐश्वर्या राजेश कविता भराठी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अधिकलम जो है वो देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान जो है वो डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी पी किंसलिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि क्या उन की कोई पास्ट मूवीज है जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हो तो जी हाँ वथी कुची जो है वो आप लोगों को उनकी पास्ट मूवीज में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आप लोगों को उस मूवी को भी एक मर्तबा डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए उसी के साथ-साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो ओ टी प्लेटफॉर्म कौन सा है इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं एंड ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज किया गया तो ये एक तमिल लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में अवेलेबल है आप लोग ईजिली इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिंग

सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एडिटिंग की बात करें तो आर रामर इस मूवी की एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है तो यह मूवी जो है वो इस मूवी के म्यूजिक को यहां पर अरेंज किया है घिब्र ने चाहे वो म्यूज़िक हो बीजीएम हो सॉन्ग्स हो यहाँ पर सारी की सारी म्यूज़िक के रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने ही अरेंज किया है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से संभाली गई है प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो 18 रील्स आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस तो देना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जैनर क्या है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों को इसमें क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर एक्शन देखने को मिलेगा क्राइम देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को ऐश्वर्या राजेश कविता भराठी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अधू कलम जो है वो देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान जो है वो डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी पी किंसलिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि क्या उनकी कोई पास्ट मूवीज़ है जो कि उन्होंने डायरेक्ट की तो, तो जी हाँ वती कुछ जो है वो आप लोगों को उनकी पास्ट मूवीज में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आप लोगों को उस मूवी को भी एक मरतबा डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो ओ टी प्लेटफॉर्म कौन सा है इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं एंड ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है किस लैंग्वेज में रिलीज किया गया तो ये एक तमिल लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में अवेलेबल है आप लोग ईजिली इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेट

इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा है जो कि काफी अच्छे तरीके से लिखी गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस पी

एडिटिंग की बात करें तो आर रामर इस मूवी की एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है तो ये मूवी जो है वो इस मूवी के म्यूज़िक को यहाँ पर अरेंज किया है घिब्रान ने चाहे वो म्यूज़िक हो बीजीएम हो सॉन्ग्स हो यहाँ पर सारी की सारे के सारी म्यूज़िक के रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने ही अरेंज किया है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से संभाली गई है प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो 18 रील्स आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस तो देना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें

बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जेनर क्या है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों को इसमें क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर एक्शन देखने को मिलेगा क्राइम देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को ऐश्वर्या राजेश कविता भराठी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अदू कलम जो है वो देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान जो है वो डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी पी किन्सलिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे कि क्या उनकी कोई पास्ट मूवीज़ है जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हो तो जी हाँ, वती कुछ ही जो है वो आप लोगों को उनकी पास्ट मूवीज में देखने को मिलेंगी जो के बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आप लोगों को उस मूवी को भी एक डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी की यहां पर जो है वो ओ टी प्लेटफॉर्म कौन सा है इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं एंड ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया तो ये एक तमिल लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में अवेलेबल है आप लोग ईजीली इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेट

इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा है जो कि काफी अच्छे तरीके से लिखी गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस पी चौथारी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है स्टारिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऐश्वर्या राजेश अधिकुलम और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गोकुल इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एडिटिंग की बात करें तो आर रामर इस मूवी की एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है तो ये मूवी जो है वो इस मूवी के म्यूज़िक को यहाँ पर अरेंज किया है घिब्रान ने चाहे वो म्यूज़िक हो बीजीएम हो सॉन्ग्स हो यहाँ पर सारी की सारे म्यूजिक के सारी म्यूज़िक के रिलेट चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने ही अरेंज किया है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से संभाली गई है प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो 18 रील्स आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस तो देना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जैनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों को इसमें क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप आप लोगों को यहां पर एक्शन देखने को मिलेगा क्राइम देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक महतब डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को ऐश्वर्या राजेश कविता भराठी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अदू कलम जो है वो देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान जो है वो डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी पी किंसलिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि क्या उनकी कोई पास्ट मूवीज है जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हो तो जी हाँ, कुछ आप लोगों को उनकी पास्ट मूवीज में देखने को मिलेंगी जो के बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आप लोगों को उस मूवी को भी एक मरतबा डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी की यहां पर जो है वो ओ टी प्लेटफॉर्म कौन सा है इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं एंड ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया तो ये एक तमिल लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में अवेलेबल है आप लोग ईजिल इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिट

सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एडिटिंग की बात करें तो आर रामर इस मूवी की एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है तो यह मूवी जो है वो इस मूवी के म्यूजिक को यहां पर अरेंज किया है घिब्र ने चाहे वो म्यूजिक हो बीजीएम हो सॉन्ग्स हो यहाँ पर सारी की सारे के सारी म्यूजिक के रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने अरेंज किया है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से संभाली गई है प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो 18 रील्स आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस तो देना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जैनर क्या है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों को इसमें क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर एक्शन देखने को मिलेगा क्राइम देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को ऐश्वर्या राजेश कविता भराठी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अदू जो है वो देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान जो है वो डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी पी किंसलिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे कि क्या उनकी कोई पास्ट मूवीज है जो कि उन्होंने डायरेक्ट किया हो तो जी हाँ वती कुछ ही जो है, वो आप लोगों को उनकी पास्ट मूवीज में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आप लोगों को उस मूवी को भी एक मरतबा डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो टी टी प्लेटफॉर्म कौन सा है इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं एंड ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज किया गया तो ये एक तमिल लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में अवेलेबल है आप लोग ईजिली इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेट

को को हैंडल किया, एडिटिंग एडिटिंग की की बात करें तो आर रामर इस मूवी कंट्रोल करने वाले हैं, जिन्होंने अपना काम ने चाहे वो म्यूजिक हो बीजीएम हो सॉन्ग्स हो यहां पर सारी सारे के सारे म्यूजिक के रिलेटेड चीजों को यहां पर उन्होंने अरेंज किया है जो कि काफी अच्छे तरीके से संभाली गई है प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो 18 रील्स आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस तो देना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा आने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों का ये सवाल मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं कि आप लोगों को इसमें क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर एक्शन देखने को मिलेगा क्राइम देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को ऐश्वर्या राजेश कविता भराठी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अदू कलम जो है वो देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान जो है वो डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी पी किन्सलिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि क्या उनकी कोई पास्ट मूवीज़ है जो कि उन्होंने डायरेक्ट की तो जी हाँ वती कुछ जो है वो आप लोगों को उनकी पास्ट मूवीज में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आप लोगों को उस मूवी को भी एक मरतबा डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो ओ टी प्लेटफॉर्म कौन सा है इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं एंड ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है किस लैंग्वेज में रिलीज किया गया तो ये एक तमिल लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में अवेलेबल है आप लोग ईजिली इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेट

इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा है जो कि काफी अच्छे तरीके से लिखी गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस पी

एडिटिंग की बात करें तो आर रामर इस मूवी की एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है तो ये मूवी जो है वो इस मूवी के म्यूज़िक को यहाँ पर अरेंज किया है घिब्रान ने चाहे वो म्यूज़िक हो बीजीएम हो सॉन्ग्स हो यहाँ पर सारी की सारे के सारे म्यूज़िक के रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने ही अरेंज किया है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से संभाली गई है प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो 18 रील्स आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस तो देना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना के

तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर एक्शन देखने को मिलेगा क्राइम देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को ऐश्वर्या राजेश कविता भराठी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अदू कलम जो है वो देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान जो है वो डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी पी किन्सलिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे कि क्या उनकी कोई पास्ट मूवीज़ है जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हो तो जी हाँ व्हाट ही जो है वो आप लोगों को उनकी पास्ट मूवीज में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आप लोगों को उस मूवी को भी एक मरतबात डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो ओ टी प्लेटफॉर्म कौन सा है इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं एंड ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया तो ये एक तमिल लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में अवेलेबल है आप लोग ईजीली इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेट

इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा है जो कि काफी अच्छे तरीके से लिखी गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस पी चौथारी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है स्टारिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऐश्वर्या राजेश अदकुलम और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहां पर हम लोग बात करें तो गोकुल इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एडिटिंग की बात करें तो आर रामर इस मूवी की एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है तो यह मूवी जो है वो इस मूवी के म्यूजिक को यहाँ पर अरेंज किया है घिब्र ने चाहे वो म्यूजिक हो बीजीएम हो सॉन्ग्स हो यहाँ पर सारी की सारी म्यूजिक के रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने ही अरेंज किया है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से संभाली गई है प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो 18 रील्स आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस तो देना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें

बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जेनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों को इसमें क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर एक्शन देखने को मिलेगा क्राइम देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को ऐश्वर्या राजेश कविता भराठी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अदू जो है वो देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान जो है वो डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी पी किंसलिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि क्या उनकी कोई पास्ट मूवीज़ है जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हो तो जी हाँ, कुछ जो है वो आप लोगों को उनकी पास्ट मूवीज में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आप लोगों को उस मूवी को भी एक मरतबा डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी की यहां पर जो है वो ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन सा है इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं एंड ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज किया गया तो ये एक तमिल लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में अवेलेबल है आप लोग ईजिल इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनी

की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एडिटिंग की बात करें तो आर रामर इस मूवी की एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है तो ये मूवी जो है वो इस मूवी के म्यूज़िक को यहाँ पर अरेंज किया है घिबरान ने चाहे वो म्यूज़िक हो बीजीएम हो सॉन्ग्स हो यहाँ पर सारी सारे के सारे म्यूज़िक के रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने ही अरेंज किया है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से संभाली गई है प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो 18 रील्स आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस तो देना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें

बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जैनर क्या है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों को इसमें क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर एक्शन देखने को मिलेगा क्राइम देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को ऐश्वर्या राजेश कविता भराठी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अदू जो है वो देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान जो है वो डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी पी किन्सलिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि क्या उनकी कोई पास्ट मूवीज़ है जो कि उन्होंने डायरेक्ट की तो जी हाँ बत्ती कुछ ही जो है वो आप लोगों को उनकी पास्ट मूवीज में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आप लोगों को उस मूवी को भी एक मरतबा डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो ओ टी प्लेटफॉर्म कौन सा है इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं एंड ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड इसे किस लैंग्वेज में रिलीज किया गया तो ये एक तमिल लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में अवेलेबल है आप लोग ईजिली इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिंग

इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा है जो कि काफी अच्छे तरीके से लिखी गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस पी चौथारी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है स्टारिंग में जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऐश्वर्या राजेश अदकम और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गोकुल इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एडिटिंग की बात करें तो आर रामर इस मूवी की एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है तो ये मूवी जो है वो इस मूवी के म्यूज़िक को यहाँ पर अरेंज किया है घिब्रान ने चाहे वो म्यूज़िक हो बीजीएम हो सॉन्ग्स हो यहाँ पर सारी की सारे के सारे म्यूज़िक के रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने ही अरेंज किया है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से संभाली गई है प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो 18 Reels आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस तो देना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ड्राइवर जमुना के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जैनर क्या है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों को इसमें क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर एक्शन देखने को मिलेगा क्राइम देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को ऐश्वर्या राजेश कविता भराठी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अदू कलम जो है वो देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान जो है वो डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी पी किंसलिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि क्या उनकी कोई पास्ट मूवीज़ है जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हो तो जी हाँ, कुछी जो है वो आप लोगों को उनकी पास्ट मूवीज में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है एंड आप लोगों को उस मूवी को भी एक मरतबा डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो ओ टी प्लेटफॉर्म कौन सा है इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं एंड ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है किस लैंग्वेज में रिलीज किया गया तो ये एक तमिल लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में अवेलेबल है आप लोग ईजिली इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेट

सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एडिटिंग की बात करें तो आर रामर इस मूवी की एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है तो यह मूवी जो है वो इस मूवी के म्यूजिक को यहां पर अरेंज किया है घिब्र ने चाहे वो म्यूज़िक हो बीजीएम हो सॉन्ग्स हो यहाँ पर सारी की सारी म्यूज़िक के रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने ही अरेंज किया है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से संभाली गई है प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो 18 रील्स आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस तो देना